औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू फ़हमीनास किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। साथ में नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुँच सके। और सबसे पहले तमाम दोस्तों को ईद मुबारक। और चलिए आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। आज हम बना रहे हैं भुना हुआ कीमा, और बहुत ही झटपट और बहुत ही कम मसालों में मैं इसको बनाऊंगी। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन, ये मेरे पास है मटन का कीमा, ये बिल्कुल फ्रेश है, ये तकरीबन हाफ के जी है। और प्याज मैंने लिए दो, इनको मैंने चॉप कर लिए। और दो ही दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, इनको भी मैंने बारीक से काट लिए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 1 टेबल स्पून है भर के। और हरी मिर्चें, और साथ में है जुलियन कट किया हुआ अदरक की थोड़ी छोटी सी लंबी लंबी सी स्लाइसेस, ये है गार्निशिंग के लिए रखी है मैंने। और स्पाइसेस में है 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून इसमें है लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है नमक, और 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून जो है सूखे धनिया का पाउडर है, और गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। इसमें है ज़ीरा, दालचीनी, 2 लौंग और 6 से 7 काली मिर्चें, सूखी कसूरी मेथी है, 1 कप पानी है, ये हम मसाले में जब भूनेंगे तब उसमें ऐड करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं कढ़ाई लूँगी और साथ में इसमें 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी कुकिंग ऑयल। घी को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं। ऑयल गर्म हो गया, इसमें सबसे पहले हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको मैं सबसे पहले इसलिए डालती हूँ क्योंकि जो इसका एक खास अरोमा होता है जिंजर गार्लिक के यानी अदरक लहसुन की पेस्ट का, और ये खास किस्म का टेस्ट हो जाता है, तो उसको ज़रा थोड़ा सा कम करने के लिए, वरना आपके खाने में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर भी देगा और अरोमा भी देगा। तो इसको तकरीबन सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आप इसको पहले ऑयल में फ्राई कर लें। इसका थोड़ा सा जो स्ट्रॉन्ग अरोमा है वो ज़रा कम हो जाएगा और फ्लेवर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब मैं इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी। अब हम इसको ज़रा फ्राई करेंगे। इसको मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ताकि जो प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, और फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये देखिए कितना प्यारा सा वाइट वाइट कलर का प्याज हो गया। अब इस पॉइंट में हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें डाल देंगे कीमा। अब कीमे का जब तक कलर चेंज नहीं होगा तब तक मैं इसको इसमें इसी तरह से फ्राई करती रहूँगी। दो मिनट के लिए इसको मैं दम पे रखूंगी ताकि कलर जल्दी से चेंज हो जाए, थोड़ा सा कीमा भी पक जाए। तो जी 2 मिनट पूरे हो गए, ये देखिए कीमा अच्छे से भून भी रहा है, और साथ ही इसका अपना पानी भी, ये देखिए आपको नजर आ रहा होगा। देखिए हमने इस कीमे को इसी पानी में पकाना है, हम इसमें पानी का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। और देखिए कीमे का कलर माशाल्लाह से बिल्कुल चेंज हो गया, और क्या जबरदस्त खुशबू भी आ रही है साथ में। अब हम इस पॉइंट में हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो मैंने आपको बताया थे 2 दरमियाने साइज के। अब
साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी नमक, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और मैं इसको मिक्स कर लूंगी। स्पाइसेस को मिक्स करने के बाद मैं इसमें तकरीबन 3-4 टेबल स्पून में से पानी डालूंगी, ताकि जो स्पाइसेस हैं यानी कि जो मसाला जार जो मैंने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। इसके अलावा हमें कीमे को गलाने के लिए पानी डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये ताज़ा कीमा है। ये बहुत ही जल्दी तकरीबन बस आप समझे कि हो गया, इस तरह से तैयार हो जाता है। तो दोबारा से दम पे रखूंगी, लेकिन मैं आग जो है वो स्लो कर दूंगी। अभी मैं तेज आंच पे बना रही थी, अब मैं इसको बिल्कुल स्लो कर दूंगी। इसका पानी खुश्क होगा तकरीबन 3-4 मिनट लगेंगे इसको। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसको तकरीबन 2 मिनट और भुनेंगे। तो जी दोस्तों 5 मिनट हो गए, अब हम इसको देखते हैं। माशाल्लाह ऑयल वाली आ गई, इसका मतलब कि कीमा अच्छी तरह से भुन गया, लेकिन हम मजीद इसको 2-3 मिनट और भुनेंगे। मैं इसमें मुझे बहुत ही प्यारी पतली पतली सी हरी मिर्ची है वो ऐड कर दूंगी। आग मैंने जो तेज कर दी चूल्हे की, ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए, और तो बहुत ही खुशबू आ रही है मजे की। अब इस पॉइंट में मैं डालूंगी सूखी मेथी, इतना प्यारा कलर लग रहा है। हरी मिर्ची इसमें कितनी अच्छी लग रही है। बस सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं इसको दम दूंगी। तो दोस्तों देखिए 1 मिनट हो गया बिल्कुल। अब मैं इसको डिशॉक कर दी और मैं चूल्हा बंद कर दूंगी। देखिए दोस्तों, देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिए, और मैंने जो अदरक को जुलियन कट किया था उसके साथ और 2-3 जो है रिंग ऑनियन के साथ मैंने इसको डिश आउट किया और थोड़ा सा इसको सजा लिए। आप भी प्लीज़ ऐसे कीजिएगा। आप इसको नान के साथ और चपाती के साथ खा सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये झटपट सी भुने हुए कीमे की जो है रेसिपी वो पसंद आई होगी। दोस्तों और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी जो है जो आपका फीडबैक है प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।